जिलाधिकारी श्रीमती शकुंतला गौतम और पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह जी की मुख्य उपस्थिति में आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बनाए गए जिला स्तरीय कोविड वैक्सीन कोल्ड चेन भंडारण कक्ष में सरकार के निर्देश अनुसार नियत तापमान पर फ्रीजर कक्ष में रखवाई गई। ये वैक्सीन 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य को प्रथम बार लगाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन जिन स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी उनको पहले से सूचित कर दिया जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी उसके बारे में भी उनको व्यक्तिगत फोन पर भी अवगत करा दिया जाए। जिन जिन जगहों पर वैक्सीन रखी जाएगी वैक्सीन ले जाते समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएं। अपने आज मेरठ से जो है 618 वायल जो है वैक्सीन आई है, जिस एक वायल में 10 की डोज है, 6180 की डोज यहाँ पर आ चुकी है। सील्ड वैन में आपने देखा है कि सील्ड वैन में वैक्सीन आई है। हमारे सुरक्षाकर्मी यहाँ से गए थे, उनके देख रहे में वैक्सीन यहाँ पर आई है और वैक्सीन को मैं और एसपी साहब और हमारी टीम जो है उपस्थित रही है, सीएमओ साहब उपस्थित रहे, इनके डीआईओ उपस्थित रहे, उनकी उपस्थित में ये वैन से सील्ड वैन से वैक्सीन निकाली गई है और उसे जो हमारे कोल्ड चेन में रखा गया है और उसे जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनकी निगरानी में वो पूरी तरह से रहेगा। यहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं, पूरी तरह से आवागमन जो है अन्न का प्रतिबंधित है। जो कोल्ड चेन में जाने के अधिकृत हैं बस वही कोल्ड चेन रूम में जाएंगे। दिनांक 16 जनवरी को वैक्सीनेशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें बागपत की 3 साइट हैं, संयुक्त जिला चिकित्सालय, सीएससी बड़ौत और सीएससी पिलाना, इनमें 100 लाभार्थियों को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसकी सूची जो है ऑनलाइन की जा चुकी है। जो प्रथम चरण वाले वैक्सीनेशन होना है स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ, फर्स्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उनमें 5082 का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपडेट कर दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।